पाकिस्तान नेवी में सेलर बैच ए 2025 की जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं। इन जॉब्स के मुताबिक सेलर टेक्निकल, म्यूजिशियंस, मैरीन, नैब खतीब, नेवल पुलिस, स्टीवर्ड शेफ, एमटीडी ड्राइवर, सैनिटरी वर्कर और पीटी ब्रांच और आईटी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने अप्लाई किस तरह करना है, ये वीडियो रजिस्ट्रेशन पे मैं मुकम्मल तरीकाकार आपको समझाऊंगा आपने किस तरह रजिस्ट्रेशन करनी है और क्या क्या प्रोसीजर्स नहीं करने और कौन से ऑप्शंस को क्लिक करना है। तो ये पूरी वीडियो आप देख लेंगे इंशाल्लाह, इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने का तरीकाकार मुकम्मल समझ आ जाएगा। आप मोबाइल की मदद से नेट ऑन करके खुद से कर सकते हैं, किसी को पैसे देने की या कहीं जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये देखें, ये पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे इस पे joinpaknavy.gov.pk लिखेंगे ये आ जाएगा सामने। ये नीचे सेलर की जॉब आ रही है, इस पे जैसे ही थोड़ी देर आप क्लिक करेंगे ये देखें नीचे व्यू एड, व्यू क्राइटेरिया, रजिस्टर्ड नाउ, आपने रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करना है। ये आपके सामने न्यू पोर्टल ओपन हो जाएगा, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सेलेक्ट करनी है सेलर बैज ए 2025। उसके बाद यहाँ पे आपने जॉब सेलेक्ट करनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सेलर टेक्निकल में अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये देखें नीचे सेलर टेक्निकल की पोस्ट आ रही है, इस पे आपने क्लिक किया, सेम नीचे सिलेक्शन सेंटर सेलेक्ट करना है, जैसे आप लाहौर सेलेक्ट करते हैं यहाँ से टेस्ट डेट आपने देनी है, 3 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, 6, 7, 8, 3 डेटों में, और यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो डेट सेलेक्ट हो जाएगी। नीचे टाइम की सेम 3 स्लॉटें होती हैं, कहीं बच्चे पहुँच पाते हैं कहीं नहीं पहुँच पाते, आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। 10 वाला टाइम सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें 9 और 10 वाली दोनों स्लॉट बच्चे इजिली अवेलेबल होते हैं और पहुंच जाते हैं। ये देखिए नीचे क्राइटेरिया आ गया है, अनमेरिड, 16 से 20 साल एज है, 5 फुट 4 इंच कद मांगा हुआ है, मैट्रिक 65% नंबर। यहाँ पे आपने शोधा और नेवल वार्ड, मतलब जो ऑलरेडी नेवी में बच्चे उनके वालदैन जॉब्स कर रहे हैं वो बच्चे इस पोर्टल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे नेवल वार्ड करना है या पीएन शहीद के कोटे में सिलेक्ट आपने करना है। यहाँ पे नेवल वार्ड करेंगे, अपने वाला साहब का रैंक देना है, जॉब देना है, उसका सर्विस नंबर, वो रिटायर्ड है या सर्विंग है ये देना है। अगर कोई शहीद कोटा में करना चाहता है तो वो भी सेम इसी पैटर्न पे कर सकता है। अगर आपका कुछ नहीं है तो आपने इस कॉलम को छोड़ देना है। यहाँ से आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, पिक्चर अगर आप अब पिक्चर आपके पास ज़ाहिर बात है मोबाइल पे बनाएंगे बड़ी होगी, तो ये देखें नीचे रीसाइज पिक्चर की ऑप्शन आ रही है, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये देखें ये एक न्यू वेबसाइट पे चला जाएगा। यहाँ पे जाके आपने पिक्चर अपलोड करनी है, जो भी पिक्चर होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली पिक्चर एक अपलोड करता हूँ, ये देखें ये पिक्चर हो गई है, इसको आपने MB यहाँ पे इंटर करने हैं, MB आपने 18 MB की मिनिमम फाइल बना लेनी है। इसको जैसे रीसाइज करेंगे ये देखें मेरे पास नीचे ये रीसाइज होके आ गई है। अब इसका साइज ऊपर देखें 38 KB था और यहाँ पे 16 KB आ गया है। तो इस तरह करके आप पिक्चर रीसाइज करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपके पास पिक्चर आ जाएगी, यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है। पिक्चर अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, नाम लिखने के बाद यहाँ पे अपना CNIC इंटर करना है, डैश ऑटो पे डाल जाएगा, आपने नहीं डालना है। फादर नेम इंटर करना है, CNIC इंटर करना है, फादर का CNIC करना है, अपना नहीं करना। उसके बाद क्योंकि आपका कैंडिडेट का CNIC ऊपर आ चुका है, अब यहाँ पे फादर का CNIC करना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है क्योंकि मेल ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, FMT की पोस्टें भी अनाउंस नहीं हुई अभी, वेरी सुन वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। यहाँ पे कद आपने करना है 5 फुट 6 इंच है, 5 फुट 4 इंच है, जितना भी है। आप अनमेरिड है, जहरी बात है मेरिड बच्चे इन पे अप्लाई नहीं कर सकते, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का कोटा होता है, मुस्लिम है तो वो करना है, अगर कोई नॉन मुस्लिम बच्चा अप्लाई कर रहा है तो वो नॉन मुस्लिम को सिलेक्ट करेगा। प्रोविंस आपका कौन सा है, पंजाब, और यहाँ पे आगे मजीद नीचे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कसूर करते हैं, और यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। अब जो एक्चुअल आपने डेट ऑफ बर्थ है वो काउंट करनी है यहाँ पे, ये डेट ऑफ बर्थ के प्रॉब्लम के लिए आपने गूगल में चले जाना है, यहाँ पे गूगल में सेम इट इज आपने यहाँ पे एज कैलकुलेटर लिख लेना है। क्या लिख लेना है, एज कैलकुलेटर। जैसे ही आप एज कैलकुलेटर लिखेंगे इससे आपने अपनी एज एग्जैक्ट काउंट कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपने पहले अपनी जो डेट होगी, जो डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर करनी है यहाँ पे, जो जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी, जैसे मार्च हम कर लेते हैं 1st 2005, ये एक डेट लिखी 2005, और सेम इधर नीचे जो डेट नेवी की जॉब पैटर्न पे दी हुई है वो वाली इंटर करनी है। जैसे मैं सेलर की बात कर रहा हूँ तो इसमें बताया हुआ है
यकम जून 2025, तो यहाँ से आपने यकम जून 2025 सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ये देखें 2025, यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये देखें आपके सामने आ गई है 20 साल 3 महीने। इसका मतलब है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि मैक्सिमम 20 साल एज मांगी हुई है ये इस एज के हिसाब से। इसलिए आपने अपनी एज एग्जैक्ट काउंट करनी है। बच्चों के बहुत सारी कन्फ्यूजन होती हैं, परेशान होते हैं कि हमारी एज इतनी थी हम पूरा आ रहे हैं, वो सही तरह कैलकुलेशंस नहीं करते। उसे आप प्लीज़ इस मेथड से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस देनी है, पोस्टल एड्रेस देना है। पोस्टल एड्रेस मतलब के जो नेवी कोई खतों कताबत करती है उस एड्रेस पे जाएगी। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस जो आपका परमानेंट शनाख्ती कार्ड के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है वो होगा। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर होगा, ये बड़ा एहतियात से दीजिएगा। फादर का नंबर भी यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे आपने क्वालिफिकेशन एंटर करनी है, मैट्रिक साइंस है, उसके बाद बोर्ड आपका कौन सा है जैसे लाहौर बोर्ड है, और यहाँ पे आपका परसेंटेज कितनी है जैसे फॉर एग्जांपल आपके 821 नंबर है तो यहाँ पे ऑटो पे आपने सॉरी यहाँ पे परसेंटेज एंटर करनी है आपकी 70% है या 60% है जितनी भी होगी। तो यहाँ से ये जैसे ही आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना है, अप्लाई के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड हो जाएगी, उसे आपने सेव कर लेना है और जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन आपने साथ लेके जानी होगी। तो ये छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद के आपका फॉर्म फिलिंग पे थी ताकि आप आसानी से फॉर्म फिल कर सकें। मजीद मेरे चैनल पे बुक भी अवेलेबल है, नेवी की ट्रेड की डिटेल्स भी हैं, टेस्ट प्रिपरेशन की भी पूरी वीडियोस अवेलेबल हैं, और मजीद कोई भी और इन्फॉर्मेशन है जैसे जो भी अपडेट्स आती हैं, इंटरव्यूज होते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, टेस्ट एक्सपीरियंस है, हर चीज़ अवेलेबल है मेरे चैनल पर। आप उसे देख के अपनी तैयारी भी कर सकते हैं और मालूमात भी ले सकते हैं। आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।